बुलेटिन लाइव से सहारनपुर प्रभारी से विक्रम वर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के प्रतिनिधि ने अपनी मांग को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पंजीकृत उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल के निर्देशानुसार जिला सहारनपुर के जिलाध्यक्ष मंडल प्रभारी प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विमल वर्मानी के नेतृत्व में एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से जिसमें नगर मजिस्ट्रेट ने उन्होंने मोरगंज घेर चैम्बर के 16 व्यापारियों को सशर्त आदेश धारा -133(1) के अंतर्गत आदेशित किया है, इस संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराना चाहते हैं। सभी व्यापारियों के गोदाम लगभग 20 वर्ष से है। इससे पूर्व स्थान पर उत्तम राइस मिल थी और यह व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स है और व्यापारियों द्वारा नगर निगम के हाउस टैक्स तथा बिजली के बिल व्यावसायिक कनेक्शन लिए हुए है तथा सभी सरकारी देयों का नियमित भुगतान करते रहे हैं, लेकिन कुछ आवासीय मकान लगभग 5-6 वर्ष पूर्व बनाए गए और उसमें कुछ लोगों द्वारा आपके समक्ष इन गोदामों में घी तेल का व्यापार तथा एक गोदाम के लिए केमिकल का गोदाम बता तथ्यहीन बातों से अवगत कराया गया है। घी तेल एक आवश्यक वस्तु है तथा इसका व्यापार समस्त बाजारों तथा महानगर जिल के सभी मोहल्लों में है तथा महानगर के मुख्य बाजार में कपड़ा मार्केट, लकड़ी मार्केट, रेडीमेड गारमेंट्स आदि का व्यापार होता है। क्या तथ्यहीन आधारों के कारण हमारा व्यापारी अपना व्यापार बनकर, यह स्पष्ट होना अति आवश्यक है। व्यावसायिक स्थानों पर आवासीय मकान जिन लोगों द्वारा बिना अनुमति के बनाए गए हैं, व्यापारियों ने इस मामले की जांच की मांग की। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष जिलाध्यक्ष अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल, आज हम जो है अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के इसमें हम इसलिए आए हैं कि घेर चैम्बर और मोरिंग के व्यापारियों को, 16 व्यापारियों को सिटी मजिस्ट्रेट की तरफ से एक नोटिस दिया गया है कि आपके गोदाम जो है, किसी की शिकायत पर दिया है उन्होंने नोटिस कि आपके गोदाम जो हैं वो घी तेल के हैं और एक गोदाम केमिकल का है और इन गोदामों पे आप अपनी आके जवाब दीजिए। हमारे व्यापार मंडल का और हमारे घेर चैम्बर के जो हमारे साथी आए हुए हैं 2-3, हमने बहुत कम लोगों को इसीलिए बुलाया है, सिर्फ हमारा ये कहना है कि घी तेल का व्यापार पूरे ज़िले में, पूरे नगर में, गली मोहल्लों में, बाज़ारों में, सब जगह है। घी तेल की वजह से कोई आग लग जाएगी तो शहर में पेट्रोल पंपें भी शहर के बीच में हैं। एक किसी की शिकायत पर, जो कि एक हमारे हिसाब से ब्लैकमेलिंग के हिसाब से शिकायत है, व्यापारियों को ब्लैकमेल करने का प्रयास है, अदरवाइज़ इसकी कोई वजह नहीं है। ये गोदाम सारे कमर्शियल जगह पे बने हुए हैं, 25-25, 30-30 साल पुराने गोदाम हैं और जिन्होंने 3-4 लोगों ने रेजिडेंशियल वहाँ बनाया भी हुआ है, उन्होंने किस आधार पर कमर्शियल जगह पे बना लिया है ये तो वही बता सकते हैं। इसलिए इस मामले में हम लोग आज सिर्फ सिटी मजिस्ट्रेट साहब से बात करने आए हैं और ये ज्ञापन देने आए हैं, उसके बाद इनके उस पर, उसके बाद व्यापार मंडल इस मामले को तय करेगा उसे किस हिसाब से आंदोलनात्मक रुख लेना है या क्या रुख लेना है। इस मामले को हम बीच में नहीं छोड़ेंगे, इससे तो सारे शहर की मोहल्ले की दुकानें आ जाएंगी। लकड़ी बाज़ार है, कपड़ा मार्केट है, होजरी मार्केट है, सारी बाज़ारों के बीच में बनी हुई है, सारे पेट्रोल पंप हैं। इस ये अगर आधार बना लिया तो व्यापारी वर्ग अन असामाजिक तत्वों की ब्लैकमेलिंग का निशाना बनेगा, जिसे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता। इसमें सड़कों पर भी लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो निश्चित रूप से लड़ी जाए।